अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को बीएसपी ने पहले तो पूर्व विधायक इमरान मसूद को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहीं उसके महज चार घंटे बाद ही इमरान मसूद के जुड़वा भाई नोमान मसूद को भी बसपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी की तरफ से इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है। ऐसे में काजी परिवार की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों भाई के पार्टी से निकाले जाने के बाद राजनीतिक करियर में हलचल मची हुई है। वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी से निष्कासित होने के बाद दोनों जुड़वा भाई किस पार्टी का दामन थामकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। उधर आलाकमान की तरफ से इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इधर उसके चार घंटे बाद सहारनपुर बीएसपी के जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद को भी चार घंटे बाद ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। पार्टी की तरफ से जारी फरमान में नोमान मसूद पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। आपको बता दें, इमरान मसूद के भाई नोमान ने बसपा के टिकट पर 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद नोमान मसूद निकाय चुनाव में भी गंगो नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीटों के आरक्षण में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि पार्टी ने उनके कहने पर उनके करीबी को चुनाव जरूर लड़वाया, बावजूद इसके उन्हें वहां भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं नोमान मसूद को सभासद के टिकट से संतोष करना पड़ा। अगर बात इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद की करें तो वो गंगो विधानसभा सीट से 2017 में कांग्रेस सपा गठबंधन में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें वो भाजपा के प्रत्याशी से करीब 38,000 वोटों से हार गए थे। साल 2019 में प्रदीप चौधरी के सांसद चुने जाने के बाद नोमान मसूद ने गंगो सीट पर 2019 में हुए उपचुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार वो भी भाजपा के प्रत्याशी से हार गए। वहीं 2022 में वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और लगातार उनको तीसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा। ।2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जब इमरान मसूद कांग्रेस में थे, तो उस दौरान इमरान मसूद पारिवारिक मनमुटाव के कारण राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जब इमरान मसूद ने सपा में जाने का ऐलान किया तो नोमान ने भी बसपा का दामन थाम लिया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीएसपी ने मसूद ब्रदर्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो ऐसे में चर्चा ये तेज हो गई है कि वेस्ट यूपी के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता इमरान मसूद मात्र 19 महीनों में चौथी बार पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं।